नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल वेक्टर एजुकेटर्स पर, और मैं आपका जी एजुकेटर नवदीप सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का यहां पर। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आज हम डिस्कशन करने वाले हैं हमारे फ्राइडे, सैटरडे और संडे, इन तीनों के करंट अफेयर्स का। सो तो काफ़ी लंबा सेशन है, और सबसे पहले आप लोगों से सॉरी कहना चाहता हूँ, लाइव नहीं हो पाया ड्यू टू द टेक्निकल एरर, बट फिर भी ये रिकॉर्डेड वीडियो आपके पास पहुँचेगा। और आप लोगों की जो जो क्वेरीज हैं, जो जो आपके दिमाग में प्रश्न है, उन सभी प्रश्नों को आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट करने के बाद मैं आपको वहां पर जरूर रिप्लाई दूंगा। सो प्लीज बेयर विथ इट एंड सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आज का करंट अफेयर सबसे पहले शुरू करते हैं द गुड मॉर्निंग कोट के साथ। और गुड मॉर्निंग कोट जो है वो भेजा है हिमा ने। हिमा हमारी स्टूडेंट हैं, बहुत अच्छे अच्छे गुड मॉर्निंग कोट्स भेजती रहती हैं हमेशा। द मैन हु हैज कॉन्फिडेंस इन हिमसेल्फ गेन्स द कॉन्फिडेंस ऑफ अदर्स। ना, एक व्यक्ति जिसमें खुद में आत्मविश्वास होता है, वही दूसरों के आत्मविश्वास को जीत सकता है, ऐसा इनका कहना है। और ये बात कहीं ना कहीं बिल्कुल एक हद तक सही भी है कि जिस व्यक्ति के अंदर खुद का आत्मविश्वास होता है, वही उसकी असली पूंजी है, और उसी पूंजी के जरिए वो जीवन में कुछ भी जीत सकता है। सो थैंक यू सो मच फॉर सेंडिंग सच अ गुड कोट। इसी तरह से आप लोग अच्छे अच्छे कोट्स भेजते रहिए। हम लोग आगे बढ़ते हैं, और हमारा जो अगला सेक्शन है वो है द गुड मॉर्निंग क्वेश्चन का। द गुड मॉर्निंग क्वेश्चन में सबसे पहले आपके सामने जो क्वेश्चन है वो ये है, विथ विच मिनिस्ट्री यूएन वीमेन हैज लॉन्च्ड अ कैंपेन टू एंड वायलेंस अगेंस्ट वीमेन। किस मंत्रालय के साथ संयुक्त राष्ट्र महिला संगठन ने महिलाओं के खिलाफ हिंसा खत्म करने के लिए अभियान शुरू किया है। तो देखिए, पांच ऑप्शन है आपके पास, आपको कमेंट करके बताना है कि कौन से मंत्रालय के साथ ये हिंसा खत्म करने के लिए अभियान शुरू किया गया है। आप लोग जल्दी इसको बताएंगे। हम लोग आगे बढ़ते हैं और डिस्कशन करते हैं हमारे अगले सेक्शन का, विच इज द ट्रेंडिंग न्यूज सेक्शन। देखो, ट्रेंडिंग न्यूज सेक्शन में सबसे पहले हमारी जो सेक्शन है, उस सेक्शन में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं ब्राइबरी रिस्क इंडेक्स का। 2019 ब्राइबरी रिस्क इंडेक्स ट्रेस ब्राइबरी रिस्क मैट्रिक्स 2019 के नाम से इश्यू की गई, और भारत को 200 कंट्रीज में से 78th रैंक दिया गया है। यानी 200 देशों में भारत का 78वां स्थान है, और न्यूजीलैंड ने लीस्ट रिस्क कंट्री की में टॉप किया है। यानी वहां पर करप्शन और ब्राइबरी, इन सब का, ब्राइबरी का मतलब होता है रिश्वतखोरी, तो घूस देने का या रिश्वतखोरी का, वहां पर सबसे कम रिस्क है, और सोमालिया में रिश्वतखोरी सबसे ज्यादा होती है, इसलिए सोमालिया को शीर्ष पर रखा गया है। साउथ एशिया में अगर बात करें तो बांग्लादेश ने टॉप किया है, और बांग्लादेश 178वें स्थान पर है, जबकि भारत 78वें स्थान पर है। चलिए, इसी हिसाब से याद रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, हमारा दूसरा जो ट्रेंडिंग न्यूज का सेक्शन है उस पर डिस्कशन करते हैं, जीआई टैग, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। अच्छा, सबसे पहले तो यह समझें कि जीआई टैग होता क्या है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग क्या है। देखें, भारत की ज्योग्राफी या पूरे वर्ल्ड में, मतलब अलग अलग जगह पर वहां की अलग अलग वैरायटीज, वहां की अलग अलग चीजें फेमस होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, जैसे कोल्हापुर की चप्पल फेमस है, सो कोल्हापुरी चप्पल। जैसे आगरा के पेठे फेमस है, तो आगरा के पेठे। इस तरह से जो जिस एरिया की चीजें फेमस होती हैं, उनको वहां पर ज्योग्राफी के हिसाब से डिफाइन कर दिया जाता है कि ये पर्टिकुलर इसी जगह की ही चीजें हैं, इसलिए वहां पर एक टैग दिया जाता है उनको, जिसे कहते हैं जीआई टैग। सो दार्जिलिंग में होने वाली टी, ग्रीन टी और वाइट टी। अब देखो, ग्रीन टी जो होती है, ग्रीन टी भी सेम पत्तियों से बनती है, जिस तरह से आपकी नॉर्मल टी बनती है, लेकिन सेम पत्तियों में कुछ जो प्रोसेसेस हैं वो प्रोसेसेस नहीं की जाती, इसलिए वो ग्रीन की ग्रीन टी रह जाती है। तो ग्रीन टी और वाइट टी जो दार्जिलिंग की हैं, इनको जीआई टैग मिला है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है। तो देखिए, आपको पता है पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 जो है, रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट, इस रजिस्ट्रेशन और प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर ये जीआई टैग दिया जाता है। अभी तमिलनाडु के तालों को मिल चुका है, आपके ग्रीन टी, वाइट टी, कोल्हापुरी चप्पल, इन सभी की बात की मैंने, इन सबको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है। ये बात आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। हम लोग बढ़ते हैं आगे हमारे अगले ट्रेंडिंग न्यूज़ के सेक्शन में, विच इज़ नेशनल एग्रोकेमिकल कांग्रेस, NACC। देखो, चार दिनों की एक समिट है, ये चार दिनों की एक समिट ऑर्गेनाइज की गई दिल्ली में। तो इस चार दिनों के आयोजन में किसान और किसान कल्याण, इन दोनों चीज़ों पर बात की गई है।
कि कैसे कृषि के स्तर को बढ़ावा दिया जा सकता है, कैसे किसानों का और ज्यादा कल्याण किया जा सकता है। और इस कार्यक्रम की मेजबानी की है कृषि और कल्याण विकास मंत्रालय ने, या जो कृषि कल्याण मंत्रालय है उसने, और 3 साल में एक बार इसको संचालित किया जाता है। लेकिन इस बार की जो थीम है नेशनल एग्रोकेमिकल कांग्रेस की, वो थीम क्या है? कंट्रीज स्टेटस ऑन वेरियस फ्रंट्स ऑफ एग्रोकेमिकल्स। अब देखो, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भी आप खेती की बात करते हैं, कृषि की बात करते हैं, वहां पर फर्टिलाइजर्स का बहुत बड़ा योगदान है। अगर फर्टिलाइजर्स नहीं है तो खेती में फर्टिलिटी, उत्पादकता, जो प्रोडक्टिविटी है, वो नहीं आएगी। इसलिए फर्टिलाइजर्स का किस तरीके से इस्तेमाल करना है, कितने बेहतर तरीके से हमें पेस्टिसाइड्स यूज़ करने हैं, पेस्टिसाइड्स का मतलब होता है जो कीटनाशक होते हैं, उन कीटनाशकों का कैसे इस्तेमाल करना है, और कितना कम से कम इस्तेमाल किया जाए कि फसल भी खराब ना हो, कीट उसे नुकसान ना पहुँचा पाए, और बेहतर से बेहतर उत्पादन हो, ताकि फसल के और ज़मीन के बंजर होने के चांसेस कम हो जाए। क्योंकि देखो, फसल खराब होगी, ज़मीन बंजर होगी, तो एक्टिविटी घटती है। पेस्टिसाइड्स का यूज कम करना है, इसीलिए ये नेशनल एग्रोकेमिकल कांग्रेस ऑर्गेनाइज की गई है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, और हमारा जो अगला न्यूज का सेक्शन है वो है इटालियन गोल्डन सैंड आर्ट अवार्ड 2019। भाई आप लोगों को पता है कि हमारे भारत में एक बहुत फेमस सैंड आर्टिस्ट हैं जिनका नाम है सुदर्शन पटनायक। ये रेत पर आप लोग देखते रहते होंगे कि जब भी कोई बड़ी जयंती होती है या किसी भी पर्टिकुलर देश में कोई चीज़ होती है तो उसको कमेमोरेट करने के लिए, उसको उसकी याद में ये हमेशा एक सैंड आर्ट बनाते हैं। समुंदर के किनारे बहुत अच्छे अच्छे सैंड के आर्ट बनाते हैं ये। तो सुदर्शन पटनायक साहब को इटालियन गोल्डन सैंड आर्ट अवार्ड 2019 से नवाजा गया है, और इन्हें ये दिया गया था इंटरनेशनल स्कोर्ना सैंड नेटिविटी फेस्ट, जो कि इटली में हुआ है वहाँ पर। अब देखो, इसके अलावा यहाँ पे आपको ये भी जानने की ज़रूरत है कि सुदर्शन पटनायक को आज तक अवार्ड कौन कौन से मिले हैं। तो सबसे पहले देखिए, पीपल्स चॉइस प्राइज़ इन बुल्गारिया 2016 में इनको मिल चुका है। इंटरनेशनल सैंड स्कल्पचर कंपटीशन इन रशिया, इनको ये भी मिल चुका है 2013 में। इंटरनेशनल सैंड कॉम्पटिशन इन डेनमार्क में अंतर्राष्ट्रीय रेत प्रतियोगिता में भी ये जीत चुके हैं। वर्ल्ड चैम्पियन टाइटल एट USF वर्ल्ड सैंड स्कल्पचर कंपटीशन एंड चैम्पियनशिप, तो वहाँ पर भी ये जीत चुके हैं। और साथ ही साथ इनको पीपल्स चॉइस अवार्ड इन जर्मनी 5 बार मिला है। तो 5 बार इतने ज़्यादा फेमस हैं ये, और इतने ही ज़्यादा इनकी महीन कलाकारी है कि उस कलाकारी को देखते ही बनता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, और हमारे ट्रेंडिंग न्यूज़ के अगले सेक्शन पर, कि नोमुरा जो है ये जापान की एक ब्रोकरेज एजेंसी है, और इसने कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था एक बहुत ही ज़्यादा गहरे गर्त में जा रही है, भारत की अर्थव्यवस्था का वहाँ से उबरना मुश्किल है, क्योंकि ग्रोथ रेट हम लोगों ने सोचा था 5.7% के हिसाब से जीडीपी ग्रोथ रेट होगी भारत की। जीडीपी ग्रोथ रेट, जिसे हम विकास दर के नाम से भी जानते हैं, वो विकास दर भारत की, नोमुरा ने कहा था कि 5.7% होगी इस वाले फिनेंशियल ईयर यानी 2019-20 में, पर उन्होंने अब क्या है उसे 4.9% बताया है। और ये भी कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था एक खराब दौर से गुजर रही है, अगर 1 साल 2 साल या 3 सालों के अंदर अंदर अच्छे अच्छे मेजर्स नहीं लिए गए तो फिर ये गहरे गर्त में जाएगी और इसका उभरना मुश्किल हो जाएगा। इसी के पहले आप लोगों ने सुना था, अभी रिसेंटली करंट अफेयर्स में ही आया था, कि मूडीज़ जो कि अमेरिका की एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, उसने 5.6% बताया था भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट इस साल 2019-20 में। उन्होंने ये पहले बहुत ज़्यादा दिखाया हुआ था, 7% के आसपास दिखाया हुआ था, 7% से वो नीचे आए, स्लो डाउन हुए 6% पे, एंड देन 5.6% उन्होंने बताया है। और ये भी कहा है कि मंदी जो है वो लंबे समय तक रहने वाली है भारतीय अर्थव्यवस्था में। आगे हम लोग बढ़ते हैं, और हम लोग डिस्कशन करते हैं कि भाई ये BNP परिबस, BNPP म्यूचुअल फंड और बैंक ऑफ बड़ौदा म्यूचुअल फंड, इन दोनों को मर्ज कर दिया गया है। देखिए, सबसे पहले तो CCI की बात करें। CCI क्या है? भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, CCI, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। CCI ने क्या किया, दोनों म्यूचुअल फंड के मर्जर को अप्रूव कर दिया है। कंपटीशन एक्ट 2002 के अंदर इनको मर्ज किया जा सकता है, और इनको मर्ज करके एक बड़ा एंटिटी बनाने की बात कही गई है। अब देखो, इसमें जो पार्टीज़ आ करके एमलगमेट, यानी कि जो पार्टीज़ आ करके मर्ज होने वाली हैं, इकट्ठे होने वाली हैं, उसमें सबसे पहले है BOB, बैंक ऑफ बड़ौदा का एसेट मैनेजमेंट कंपनी,
BNPP में ऐड हो जाएगी एंड देन BNPP की ट्रस्टी कंपनी भी ऐड हो जाएगी BOBTC में, और इनके मर्ज होने के बाद ये फिर अपनी तरफ से म्यूचुअल फंड्स वगैरह इशू करेंगे जिन म्यूचुअल फंड्स को लोग खरीदते हैं, और वो एक शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट के तौर पर गिना जाता है। तो ये याद रखिएगा कि BNP परिवास म्यूचुअल फंड और बैंक ऑफ बड़ौदा म्यूचुअल फंड, इन दोनों के मर्जिंग के लिए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने अपनी मंजूरी दे दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग डिस्कस करते हैं हमारा अगला ट्रेंडिंग न्यूज़ का जो सेक्शन है वो है गुजरात से, और गुजरात के चीफ मिनिस्टर साहब ने एक माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल लॉन्च किया है। तो भाई नई MSME की जितनी भी इकाइयों की स्थापना की जाएगी उन सब के लिए ऑनलाइन पंजीकरण पोर्टल है, उस पोर्टल पर जाइए। पोर्टल पर जाने के बाद सबसे पहले आवेदन को करिए, आवेदन के प्रमाण पत्र को आपके घोषणा पत्र पंजीकृत होने के बाद मंजूरी दी जाएगी, और उसके बाद बहुत ही कम समय के अंदर प्रमाण पत्र को जारी कर दिया जाएगा। तो आप लोगों को पता है ये बहुत ही सिंपल सी प्रोसेस है जिसको और ज़्यादा सिंपल बनाया जा रहा है, और प्रधानमंत्री मोदी की और साथ ही साथ गुजरात में उनकी जो योजना है जिस योजना के अंदर वो स्टार्टअप स्टैंडअप और साथ ही साथ एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने की बात करते हैं वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए इसी सेक्शन के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं कि गुजरात के CM, अच्छा देखिए गुजरात के CM इन्होंने लॉन्च किया है, जल्दी से मुझे बताइएगा कि गुजरात के गवर्नर कौन है और गुजरात में लोकसभा और राज्यसभा की सीटें कितनी हैं, जल्दी से कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आई विल बी वेटिंग इन दी कमेंट सेक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं नाडू नेडू प्रोग्राम ऑन चिल्ड्रंस डे। ये क्या है भाई, आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जो हैं वाई एस जगन मोहन रेड्डी, अब देखो जगन मोहन रेड्डी जो हैं ये YSR कांग्रेस पार्टी से आते हैं, सबसे पहले ये याद रखिएगा YSR कांग्रेस पार्टी युवा श्रमिक रईतू, युवा मतलब यूथ, श्रमिक मतलब लेबर, रईतू मतलब किसान, YSR कांग्रेस पार्टी से आते हैं, ये इनकी पार्टी का नाम है युवा श्रमिक रईतू कांग्रेस। खैर इन्होंने क्या कहा है, नाडू नेडू प्रोग्राम को लॉन्च किया जाएगा और इसका उद्देश्य है कि भारत के आंध्र प्रदेश के अंदर जितने भी स्कूल्स हैं उन सभी स्कूल में वाइब्रेंट और कॉम्पिटिटिव इंस्टीट्यूशन के रूप में उनको डेवलप किया जा सके, यानी उनको एक बेहतरीन शानदार स्कूल्स बनाना है जिसमें सारी स्मार्ट सुविधाएं होंगी, स्मार्ट क्लासेस होंगी, अच्छे टीचर्स होंगे और क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करवाया जाएगा। यानी 15,715 स्कूलों में 12,000 करोड़ के बजट के साथ 3 सालों के अंदर उन सबको बेहतर कर देने की योजना है, और 3 सालों के अंदर देखते हैं क्या बेहतर रिजल्ट निकल करके आता है। ये बहुत ही अच्छी बात है कि एजुकेशन के मामले में कोई गवर्नमेंट बहुत ही ज़्यादा सोच करके काम कर रही है, और आज हमारे एजुकेशन को ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत भी है। आगे हम लोग बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं हमारा अगला ट्रेंडिंग न्यूज़ का सेक्शन, और वो सेक्शन है एनुअल डूइंग बिजनेस इन इंडिया रिपोर्ट फॉर 2019। आखिर ये क्या है एनुअल डूइंग बिजनेस इन इंडिया रिपोर्ट। देखो भाई UK की इंडिया बिजनेस काउंसिल जो है UKIBC, उन्होंने अपनी 5वीं डूइंग बिजनेस इन इंडिया रिपोर्ट निकाली है, और ये रिपोर्ट इस बेस पे निकाली जाती है कि भारत के अंदर कितना बेहतरीन माहौल है, जिस बेहतरीन माहौल में हम लोग बिजनेस कर सकते हैं, यानी भारत के जितने भी लॉज हैं, जो भी रूल्स हैं, वो रूल्स कितने इजी हैं, जिन इजी रूल्स के माध्यम से बाहर की कंपनी आकर यहाँ इन्वेस्टमेंट करे और उसे ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ किए बिना बहुत ही जल्दी अपने सेटअप को तैयार करने की इजाज़त मिल जाए। खैर ये एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई जहाँ पर भारत के हमारे कॉमर्स मिनिस्टर और साथ ही साथ रेल मिनिस्टर जो पीयूष गोयल साहब हैं वो थे, और उन्होंने UK के जितने भी व्यूज़ हैं उन व्यूज़ को लिया, उन्होंने एजुकेशन को ट्रांसफॉर्म करने की बात भी कही, और साथ ही ये भी कहा कि हमारे भारत में सुधार की सबसे पहली प्रायोरिटी ही एजुकेशन है, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और एजुकेशन हम दे पाएंगे उतना बेहतर भारत का एटमॉस्फेयर होगा। तो देखिए उच्च शिक्षा संस्थानों पर जो भी सुधार होने वाले हैं वो सुधार, और ब्रिटेन की कंपनियों के इन्वेस्टमेंट, शायद इससे भारत के उच्च शिक्षा को और भी ज़्यादा गति मिलेगी और बेहतर उच्च शिक्षा आएगी भारत के अंदर। आगे बढ़ते हैं हम लोग और इसके बाद डिस्कस करते हैं भाई मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की बात। सांस क्या है, सबसे पहले तो ये देखें सांस लॉन्च किया गया है यूनियन मिनिस्ट्री फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। आपको पता है इसके मिनिस्टर कौन है, मिस्टर हर्षवर्धन, याद रखिएगा मिस्टर हर्षवर्धन इज़ द मिनिस्टर फॉर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। चलिए इन्होंने एक सांस
करके एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, एक प्रोग्राम एक कैंपेन लॉन्च किया है। और इस अभियान का काम है कि जो भी बच्चे निमोनिया की वजह से बचपन में बेचारे डेथ हो जाती है उनकी, उन सभी बच्चों को बचाना, यानी चाइल्ड मोर्टैलिटी रेट, शिशु मृत्यु दर को, वो भी निमोनिया की वजह से जो शिशु मृत्यु दर है उसको कम से कम करना। देखिए निमोनिया एक ऐसी बीमारी, आप लोगों को पता है कि ये बीमारी फैलती है ठंड लगने की वजह से। अगर ठंड से बचाव कर लिया जाए तो ठंड से बचाव करने के बाद निमोनिया से लड़कों को बचाया जा सकता है, बच्चों को बचाया जा सकता है, और चाइल्ड मतलब लड़के और लड़कियों दोनों को ही बचाया जा सकता है, मतलब मैं बच्चों की बात कर रहा हूँ। सो चाइल्ड मोर्टैलिटी ड्यू टू निमोनिया, उसको रोकने के लिए ये सांस एक सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली लॉन्च किया गया है। अब देखो यूनियन मिनिस्टर हर्षवर्धन साहब ने ये कैंपेन जब लॉन्च किया तो उन्होंने 6वीं समिट में लॉन्च किया है, और 6वीं समिट जो हो रही थी इट वॉज अ नेशनल समिट ऑन गुड रेप्लिकेबल प्रैक्टिसेस एंड इनोवेशंस, यानी जो हमारा राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन होता है, जिस राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में एक प्रैक्टिस की बात कही जाती है, रेप्लिकेबल प्रैक्टिस की बात कही जाती है, और साथ ही साथ कुछ नई नवाचारों की बात की जाती है, वहाँ पर इसकी लॉन्चिंग की है सांस पोर्टल। और ये सांस जो कैंपेन है, इस कैंपेन के तहत इसके अंदर क्या क्या बातें हैं वो भी बता देता हूँ मैं आपको, कि निमोनिया के कारण बाल मृत्यु दर को कम करना, जैसा कि आपके सामने है। दूसरा, निमोनिया से बचाने के लिए लोगों को थोड़ा सा मोबिलाइज़ करना। मोबिलाइज़ करने का मतलब ये होता है उनको ये बताना, और साथ ही साथ उनको ऐसी जगहों तक पहुँचाना जहाँ पर बच्चे निमोनिया की वजह से मर जाते हों। और तीसरा ये कि स्वास्थ्यकर्मी और जो अन्य हितधारक हैं उन सभी को प्रशिक्षित करना, ताकि बीमारी को नियंत्रित करने के लिए और प्राथमिकता के तहत पूर्ण उपचार प्रदान किया जा सके। निमोनिया बीमारी के वजह से होने वाले जो भी बच्चों का मृत्यु दर है, उस बच्चों के मृत्यु दर को कम करना है, यही सांस कैंपेन यानी सांस अभियान का ऑब्जेक्टिव है, ये उसका उद्देश्य है। आगे हम लोग बढ़ रहे हैं और डिस्कस कर रहे हैं कि भाई पाकिस्तान से आने वाली एक खबर है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने टाइफाइड का वैक्सीन अप्रूव किया है। अच्छा, पाकिस्तान, देखिए पाकिस्तान को क्या कहा जाए, कितने सारी बातें तो हैं जो हम पाकिस्तान के बारे में करते रहते हैं, दुनिया भर की डिबेट्स आप सुनते रहते हैं, लेकिन इस बार कुछ अच्छा किया है पाकिस्तान ने। 10 मिलियन चिल्ड्रंस के लिए, यानी जो भी लगभग 1 करोड़ चिल्ड्रन हैं और 9 महीने से 15 साल के बीच हैं, उन सभी को टाइफाइड का वैक्सीन देगा। और ये पहली कंट्री है जिसने WHO अप्रूव्ड टाइफाइड वैक्सीन लॉन्च किया है ना। याद रखिएगा ये कहाँ से शुरू किया गया है, तो जो जेनेवा में गावी वैक्सीन अलायंस है, उस गावी वैक्सीन अलायंस से इसको मंजूरी मिली है, और इस मंजूरी के बाद ये अब पूरे के पूरे पाकिस्तान में लॉन्च किया जाएगा। उन बच्चों को सभी को टीका दिया जाएगा, वैक्सीन का मतलब होता है टीका देना। अब देखो गावी वैक्सीन अलायंस जो है ये बहुत सारे ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर के काम करता है, जैसे बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस लाइक वर्ल्ड बैंक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, यूनिसेफ है, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस एजुकेशन फंड है, बिल एंड मेलिंदा गेट्स फाउंडेशन है। आपको पता है कि ये बहुत ही बड़ी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत गेट्स फाउंडेशन है, जिस फाउंडेशन को नो डाउट वन ऑफ द बेस्ट सोशल वर्क डूइंग फाउंडेशन कहा जाता है। और ये लोग चाहते हैं कि जितने भी ऐसे देश हैं जो देश गरीब देशों में गिने जाते हैं, उन सभी गरीब देशों में टाइफाइड की वैक्सीनेशन यानी टाइफाइड के टीके का रेट बहुत ही बहुत कम कर दिया जाए। तो पाकिस्तान बिकम्स द फर्स्ट कंट्री टू इंट्रोड्यूस WHO अप्रूव्ड टाइफाइड वैक्सीन। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं हमारा जो अगला सेक्शन है उस अगले सेक्शन में, लेकिन उसके पहले देख लीजिए भाई पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान क्या है, देखो भाई पाकिस्तान, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं आपको कि पाकिस्तान का जो बॉर्डर है वो बॉर्डर भारत में गुजरात से लेकर, अब देखिए ये जो एरिया है ये एरिया गुजरात का है जहाँ पर मैं ये ब्लैक कर रहा हूँ इंक्स, एंड देन उसके बाद यहाँ से ले करके जो पूरा एरिया है वो गुजरात के बॉर्डर, देन राजस्थान के बॉर्डर, देन पंजाब के बॉर्डर तक का है। तो देखो गुजरात से ले करके पंजाब तक का जो बॉर्डर है भारत और पाकिस्तान के बीच, उसे कहा जाता है रेड क्लिफ लाइन, क्योंकि बाउंड्री कमीशन जो बना था 1947 में, उस बाउंड्री कमीशन की अध्यक्षता में सर साइरिल रेडक्लिफ ने इस बॉर्डर को बनाया था। लेकिन उसके बाद जम्मू कश्मीर में भारत और पाकिस्तान के बीच में जो बॉर्डर है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, जम्मू कश्मीर में भारत और पाकिस्तान के बीच का जो बॉर्डर है, इस पूरे बॉर्डर को कहा जाता है लाइन ऑफ कंट्रोल। और उसकी वजह यह है जो आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड वाले मैप में, लेफ्ट हैंड साइड वाले मैप में आपको एक
लाइन दिख रही है जिस लाइन को मैं यहाँ पर बनाता हूँ, और उस लाइन को देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये देखिए, ये एक लाइन है, इस लाइन में ये बेसिकली गई हुई है यहाँ तक। अब देखो, ये जो ब्लैक लाइन है और दूसरा ये जो लाइन मैं बना रहा हूँ, ये जो ब्लैक लाइन है दूसरी, इन दोनों के बीच में थोड़ा सा अंतर है। और ये अंतर क्या है, ये अंतर भी हम लोग जान लेते हैं। देखो, ये एरिया जिसको मैंने अभी अभी आपके सामने यूं हैच किया हुआ है, ये देखो, ये हैच वाला एरिया, इट टेक्निकली बिलोंग्स टू इंडिया बट इज़ ऑक्यूपाइड बाई पाकिस्तान। ये वैसे तो भारत का हिस्सा है, लेकिन अभी करेंटली इस पर पाकिस्तान ने ऑक्यूपेशन किया हुआ है 1947 से। और जब पाकिस्तान की फ़ौजें और भारत की फ़ौजें आपस में 1947 में टकराई थी, तो यूनाइटेड नेशंस ने उस समय पर कहा था कि जिसकी फ़ौजें जहां तक पहुंच गई हैं वहीं तक रुक जाएं। इसीलिए भारत ने भी जहां तक पहुंचे वहीं तक अपने बंकर्स बना लिए। तो इस तरह से भारत के बंकर्स यहां पर हैं भारतीय आर्मी के, और इसी के बगल यानी दूसरे एरिया में पाकिस्तानी आर्मी के बंकर्स हैं, इज़ लाइक दैट। तो ये जो एक लाइन है जिस लाइन के इधर और उधर दोनों तरफ ही भारत और पाकिस्तानी आर्मी के बंकर हैं, उसी लाइन को कहा जाता है लाइन ऑफ कंट्रोल। इसलिए भारत और पाकिस्तान के बीच जम्मू कश्मीर में जो बॉर्डर है, उस जम्मू कश्मीर वाले बॉर्डर का नाम LOC है, लाइन ऑफ कंट्रोल है, नियंत्रण रेखा कहते हैं इसे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और डिस्कशन करते हैं भाई पाकिस्तान में करेंटली। अब देखो, पाकिस्तान की बात तो क्या ही करनी, पाकिस्तान तो आप जानते हो कैसा है, एक पूरे विश्व में एक आतंकवाद का पर्याय बना हुआ है। पर फिर भी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कौन है, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट कौन है, ये ज़रूर एक बार कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइएगा। मुझे पता है कि आप लोगों को पता है, लेकिन फिर भी कमेंट सेक्शन में एक बार ज़रूर इंतज़ार करूंगा मैं। आगे हम लोग बढ़ रहे हैं भाई, 8वीं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं। भाई ये क्या है, कृषि सांख्यिकी मंत्रालय द्वारा 18 से 21 नवंबर 2019 में दिल्ली में 8वां अंतर्राष्ट्रीय कृषि सांख्यिकी सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। अब देखो इसमें है क्या, बेसिकली बात यह है कि बिल गेट्स साहब को, ये याद रखिएगा कि 8वां जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स है उसमें चीफ गेस्ट होंगे बिल गेट्स। बिल गेट्स साहब को बुलाया गया है, और हमारे जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, वो इसकी अध्यक्षता करेंगे। और इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य ये है कि भारत में जो एग्रीकल्चर है, उस एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी को और कैसे बढ़ाया जाए, ताकि जो हमारे सांख्यिकी यानी जो हमारे आंकड़े हैं वो आंकड़े और बेहतर निकल करके आएँ। क्योंकि स्टैटिस्टिक्स ये कहता है कि भारत में जलवायु परिवर्तन या जलवायु परिवर्तन के साथ साथ इररेगुलर मानसून की वजह से बहुत सारी खेती इफ़ेक्ट होती है, और साथ ही साथ सिंचाई की कम सुविधाएं हैं, उन सुविधाओं को बढ़ाना है। जो भी प्रोजेक्ट हैं लाइक मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट, लार्ज इरिगेशन प्रोजेक्ट, स्मॉल इरिगेशन प्रोजेक्ट, जो जो 10,000 हेक्टेयर या 2,000 से 10,000 हेक्टेयर या 2,000 हेक्टेयर तक की जितनी भी परियोजनाएँ भारत में चल रही हैं, उन सभी परियोजनाओं को बेहतर बनाना है, और बेहतर बना करके भारत में ज़्यादा से ज़्यादा सिंचाई क्षेत्र प्रोवाइड करवाना है, जिसकी वजह से यहाँ भारत में फसलों की प्रोडक्टिविटी अच्छी हो सके। खैर, आप लोगों को बता दिया मैंने, नरेंद्र सिंह तोमर जो हैं कृषि कल्याण मंत्री, या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कह सकते हैं इन्हें, इन्होंने इसे ऑर्गेनाइज किया है। अच्छा देखिए, एक बात और है यहाँ पर, ICAR की बात कही गई है, देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर DG यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च, ICAR, जिसका काम है भारत में एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने रिसर्च हैं उन सभी रिसर्च को लाना। और जैसा कि मैंने प्रीवियस सेशंस में भी आपको बताया हुआ है कि ICAR वो है जो कृषि विज्ञान केंद्रों को चलाता है, और वहाँ से एक्सपर्ट लोग जो होते हैं वो अपनी अपनी गाइडलाइंस देते हैं, जिन गाइडलाइंस के तहत भारत में खेती को अच्छा किया जाता है। और इसके डायरेक्टर जनरल हैं त्रिलोचन मोहापात्रा, ये याद रखिएगा, त्रिलोचन मोहापात्रा इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च, ICAR, भारतीय कृषि एवं अनुसंधान परिषद। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग और डिस्कस करते हैं भाई, DPIIT establishes डेवलपमेंट काउंसिल फॉर बाइसिकल। भाई ये क्या है, सबसे पहले तो ये समझें, DPIIT डेवलपमेंट काउंसिल फॉर बाइसिकल फॉर विजन प्लानिंग इन डिज़ाइन। देखिए DPIIT ने क्या किया है, इन्होंने कहा है कि हम बहुत ही हल्की और बहुत ही तेज चलने वाली प्रीमियम साइकिल बनाएंगे। 23 सदस्यों की एक परिषद है, जिस 23 सदस्यों की परिषद में ये निर्णय लिया जाएगा कि कैसे बेहतरीन, स्मार्ट, हल्की और सुरक्षित तेज प्रीमियम साइकिलें बनाई जा सकती हैं, ताकि निर्यात और घरेलू जो भी वैश्विक मानक हैं उन वैश्विक मानकों पर इसे खरा उतारा जा सके,
साथ ही साथ भारत की बाइसिकल्स को दुनिया में भी एक पहचान मिले, क्योंकि भारत भी बाइसिकल के प्रोडक्शन में वर्ल्ड में आगे है। आपको पता है पंजाब में बहुत ही ज़्यादा बाइसिकल्स का प्रोडक्शन होता है और पंजाब भारत में नंबर वन है जहाँ पर बाइसिकल्स, ट्रैक्टर्स और उसके साथ थ्रेसर्स, इन सब की डिज़ाइन सबसे ज़्यादा की जाती है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और DPIIT के डेवलपमेंट काउंसिल के बाद, यानी बाइसिकल की काउंसिल के बाद, अब हम लोग अगले सेक्शन को पढ़ते हैं। वो ये है कि भाई इंटरनेशनल बायर सेलर मीट अरुणाचल प्रदेश में ऑर्गेनाइज की गई है। अब ये इंटरनेशनल बायर सेलर मीट है क्या? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय जो है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कृषि और खाद्य उत्पाद निर्यात के लिए एक, ये बागवानी उत्पादों पे पहली बार अंतर्राष्ट्रीय क्रेता विक्रेता बैठक आयोजित की। अब देखो जितने भी बागवानी के उत्पाद हैं, यानी जो भी हम लोग गार्डनिंग करते हैं, उस गार्डनिंग करके जो भी प्रोडक्ट निकल करके आता है, उस प्रोडक्ट को हम अगर बेचना चाहते हैं या गार्डनिंग के प्रोडक्ट्स को खरीदना चाहते हैं, इन सभी प्रोडक्ट्स को बेचने और ख़रीदने के लिए ये मीट ऑर्गेनाइज की गई है, जिस मीट की हेडिंग की है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। यानी जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए, मैं अभी प्रीवियसली आपको बता चुका हूँ कि डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री किसके अंडर है, यानी पीयूष गोयल साहब के अंडर है। चलिए मैंने ही बता दिया। और ये पहली इंटरनेशनल बायर सेलर समिट है जो कि ऑर्गेनाइज हुई है 14 नवंबर 2019 को अरुणाचल प्रदेश में। अब इसका काम क्या है, सबसे पहले तो ये समझें कि देखिए जो भी सब्जियां, फूल, मसाले या संतरा, कीवी, अनानास जैसी जो ये सारी की सारी बागानों में होने वाली चीज़ें हैं, बगीचों में होने वाली, सॉरी बाज़ारों में नहीं, बगीचों में होने वाली चीज़ें हैं, इन सभी चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा आयात और निर्यात बढ़ाना है। और इसके लिए ये समिट को ऑर्गेनाइज किया गया है अरुणाचल प्रदेश में। साथ ही याद रखें, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, इंडोनेशिया, UAE, ओमान और ग्रीस, ये सात देश जो हैं, इन सात देशों के साथ 10 अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों ने इसमें हिस्सा भी लिया है और आयात और निर्यात को भारत में बढ़ावा देने की बात कही गई है। ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत बड़ी बात है, व्यापार के दृष्टिकोण से ये बहुत बड़ी बात है। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग और दूसरी न्यूज़ जो है वो भी अरुणाचल प्रदेश से ही आ रही है। अरुणाचल प्रदेश में सिसरी नाम की नदी है, सिसरी नाम की नदी पर एक ब्रिज बनाया गया है जिसको रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उद्घाटन किया है, जिसका उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है या उसको इनॉग्रेट किया है। अब देखो दिबांग जो वैली है, लोअर दिबांग वैली, उस दिबांग वैली में इस ब्रिज को बनाया गया है और ऐसा कहा गया है कि जो पासीघाट और रानाघाट है, उस पासीघाट और रानाघाट के बीचों बीच ये ब्रिज है, तो कुल मिला करके जो पूरा एरिया है, जोनाई, पासीघाट, रानाघाट और रोइंग, इनके बीच में और पासीघाट और रोइंग के बीच में टोटल लगभग 5 घंटे की डिस्टेंस कम कर दी जाएगी। तो ये याद रखिएगा, 5 घंटे की डिस्टेंस, 200 मीटर लंबा पुल बनाया गया है और इस 200 मीटर लंबे पुल से 5 घंटे की डिस्टेंस कम होने वाली है। 5 घंटे यूं समझो कि आपकी जर्नी का टाइम कम हो जाएगा। चलिए तो ये बात आपको क्लियर हो गई कि जोनाई, पासीघाट, रानाघाट, रोइंग, ये पूरा एकदम कनेक्टिविटी है जो कि अरुणाचल प्रदेश में कनेक्टिविटी है। मैं आपको एक फ़ोटो के माध्यम से दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं कि ये जो फ़ोटो है ये है उस ब्रिज की, जो 200 मीटर का ब्रिज बनाया गया है एंड इट इज़ नो डाउट वन ऑफ द बेस्ट कंस्ट्रक्शन वर्क्स हैज़ बीन डन बाई द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ये याद रखिएगा, सीमा सड़क संगठन कहते हैं इसे, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का काम ही है कि भारत के जो बॉर्डर एरियाज़ हैं उन बॉर्डर एरियाज़ पर बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और सड़कें डेवलप करना, ताकि हमारे बॉर्डर्स पर निगरानी अच्छी तरीके से की जा सके। आगे हम लोग बढ़ रहे हैं और हमारा जो एक न्यूज़ का सेशन है, उस न्यूज़ के सेशन में मैथमेटिशियन यानी जो गणितज्ञ थे वशिष्ठ नारायण सिंह, उनका निधन हो गया है। 74 साल के थे वो, उन्होंने आइंस्टाइन के सापेक्षता के सिद्धांत को चुनौती दी थी, लेकिन उनको सिज़ोफ्रेनिया हो गया था। अब ये सिज़ोफ्रेनिया क्या है, ये एक तरह की ऐसी बीमारी है जिस बीमारी में इंसान की मेंटल एबिलिटी कम हो जाती है। सिज़ोफ्रेनिया के बारे में आपको आगे दिखा देता हूँ, एक इमेज है मेरे पास जिस इमेज में आप देख सकते हैं। सिज़ोफ्रेनिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान का माइंड कभी भी स्थिर नहीं रहता, उसको डिल्यूजन्स होते हैं, उसको हेलुसिनेशंस होते हैं, डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच बोलता है वो, है ना, फ्लैट एंड इफेक्ट होता है, यानी कई बार तो मतलब जैसे कम बोलने की, लाइक कम बोलने की बीमारी हो जाती है, इनिशिएटिव लेने की बीमारी, मतलब जैसे उसको ऐसा लगता है ना कि मैं जो इनिशिएटिव लेना चाहता हूँ या जो मैं सोचना चाहता हूँ, सोच को मैं एप्लीकेट नहीं कर पा रहा, ऐसी टाइप की चीज़ें जो हैं वो मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करती हैं। इसलिए ये जो न्यूज़ है, न्यूज़ मैंने आपको बताई कि वशिष्ठ नारायण सिंह
इनको सिज़ोफ्रेनिया हुआ, जिस सिज़ोफ्रेनिया की वजह से इनकी डेथ हुई है। तो याद रखिएगा, हम लोग आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ करके सबसे पहले तो मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज़ आज तो हमें माफ़ करें, हम लाइव आपके साथ नहीं जुड़ पाए, लेकिन याद रखें जो भी आपके क्वेश्चंस हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। और गुड मॉर्निंग कोट कल के लिए लिखना ना भूलें, कल जब हम सेशन लेकर के आएंगे होप सो पूरी तरह से लाइव ही होगा, बिल्कुल लाइव होगा, और हम वहाँ पर चर्चा करेंगे और भी ज़्यादा करंट अफेयर्स की। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और देखिए, आप लोग ज़रूर गुड मॉर्निंग कोट लिख करके भेजिए, आई विल बी वेटिंग फॉर द गुड मॉर्निंग कोट। एंड बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आप सभी से मिलते हैं हमारे अगले सेशन में जो कि कल होगा सुबह। बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।